हम लोग क्या रीडिंग कर रहे थे, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो था अनसीन पैसेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अपनी नोटबुक में किए होंगे इसके ये टिक वाले। हमने किस पे रीडिंग की थी, इंदिरा गांधी जी पे पढ़ा था कि किस तरह उन्होंने ना अपने देश के लिए कितने वो किए थे प्रयत्न, और उनका क्या नाम था, उनका निधन कब हुआ, इस बारे में हमने पढ़ा था, उनका परिचय हमने देखा था। तो अब हम करेंगे आज अभ्यास प्रश्न। आओ अभ्यास करें। तो स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश का शीर्षक अपने शब्दों में बताइए। तो हमारा क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी पर निबंध। क्या शीर्षक था इसका, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक है श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि हम लोग इंदिरा गांधी पे ही क्या कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे। फिर आता है, इंदिरा गांधी ने अपने समस्त आभूषण कब दान किए, जब क्या हुआ था, चीन जो था, जैसा कि हमने रीडिंग की थी, ये रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1962 में चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्रीय रक्षा के यज्ञ की तैयारी के लिए अपने समस्त आभूषणों को दान कर दिया था। ठीक है, दान कर दिया था। तो ये आपको लिखना है, ये इसका सेकंड का आंसर है। ठीक है, ये आपको बुक में फिल करना है, उसके बाद नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, गद्यांश को कितनी बार अवश्य पढ़े, बताइए। गद्यांश को एक दो बार अवश्य पढ़े, क्योंकि जब हम एक दो बार पढ़ेंगे तभी हम उसके क्वेश्चन का आंसर हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसलिए हमें गद्यांश को एक या दो बार पढ़ना चाहिए। फिर आता है आपके ख वाला, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय झंडा होता है। जैसे कि अपने भारत का, वो अपने भारत को तो आपको पता ही है कौन सा है। तो हर राष्ट्र का अपना अलग झंडा होता है, वह उस देश को राष्ट्रीय प्रतीक होता है। ठीक है, वो उस देश का क्या होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है। हमारे देश का भी अपना एक राष्ट्रीय झंडा है, सबको ही पता है। इसे क्या बोलते हैं, तिरंगा झंडा, क्योंकि उसमें तीन कलर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं तिरंगा झंडा। इन तीनों रंगों का बहुत ही विशेष महत्व है। सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है, केसरिया, ऑरेंज, जिसे हम बोलते हैं जो वीरता व बलिदान का प्रतीक है। बीच वाले भाग में सफ़ेद रंग है, वाइट, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तीसरा रंग है हरा, यानी ग्रीन, जो खुशहाली तथा उन्नति का प्रतीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन किसका प्रतीक है, कि हरा रंग किस लिए होता है, वाइट रंग किस लिए होता है, ऑरेंज कलर किस लिए होता है, ग्रीन कलर किस लिए होता है। ओके, बीच में सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र नीले रंग में है। आपने देखा होगा ब्लू कलर में से गोल होता है, फिर उस पर ऐसे कुछ कुछ वो होती है तीलियाँ, जिसमें 24 बराबर तीलियाँ हैं। ठीक है, उसे हम जो चक्र होता है उसे हम बोलते हैं अशोक चक्र। उसमें कितनी तीलियाँ होती है, 24, जो हमें निरंतर प्रगतिशील रहने की प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है वो हमें, निरंतर प्रगतिशील, यानी हमेशा प्रगति करते रहो, बढ़ते रहो, आगे रुकना नहीं चाहिए, उसी तरह वो हमें प्रेरणा देता है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बने, देखो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन कौन कौन से रंग हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो आपको लिखना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद व हरा रंग होता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, केसरिया रंग वीरता व बलिदान का प्रतीक होता है। जैसे कि अभी हमारी 26 जनवरी आ रही है, तो हम तिरंगा लहराएंगे ना। अशोक चक्र किसका प्रतीक है, अशोक चक्र निरंतर प्रगतिशील रहने की प्रेरणा देता है। तो आप ये करोगे तीनों क्वेश्चन आंसर, अब पहले बुक में फिल करना है, नोटबुक में करना है। ओके, नेक्स्ट आता है, रात के समय आपने आकाश में चांद अवश्य देखा होगा। एवरीडे आप मून देखते हो ना स्काई में, हम उस चांद को क्या बोलते हैं, चंदा मामा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम चांद को चंदा मामा भी कहते हैं। क्यों, पृथ्वी हमारी माता है, तो चंदा चांद हमारा मामा हुआ ना, क्योंकि वह पृथ्वी का भाई है। अब देखो, जो पृथ्वी है वो धरती है, जो क्या है, हमारी माता है। तो चांद हमारा क्या हुआ, मामा हुआ, क्योंकि जो पृथ्वी है उसका भाई कौन है, चांद। तो इसलिए वो हमारा क्या हुआ, मामा हुआ। पृथ्वी से वह चांदी से चमकीला दिखाई देता है। जब हम उससे पृथ्वी यानी धरती से देखते हैं, तो चांद कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। कभी थाली की तरह बिल्कुल गोल, तो कभी हंसे की तरह टेढ़ा। कभी आपने देखा ना, चांद बिल्कुल गोल होता है, और कभी कैसा होता है, ऐसे आधा सा हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है आधा सा। तो वो चांद हमें लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। अब चांद जो है वो हमसे कितने किलोमीटर दूर है, लाखों करोड़ों, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है हमारे और चांद के बीच में। ओके, अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बने हैं।
रात के समय हम आकाश में क्या देखते हैं? हवाई जहाज, सूरज, चांद या पानी का जहाज? तो आपको पता ही, रात के समय हमें चांद ही दिखाई देता है, तो आपको चांद पर टिक करना है। चांद किस आकार का दिखाई देता है? तिकोना, गोल, गोल और चौकोर, टेढ़ा तो आएगा गोल। धरती से चांद कैसा दिखाई देता है? चांद सा चांदी सा चमकीला, तारे सा चमकीला, सूरज सा चमकीला, धरती सा चमकीला, तो चांदी सा चमकीला। चांदी होती है ना, कैसे चमकती है वैसे चांद भी चमकता है, तो इस पर आपको टिक करना है। ओके, तो ये जो आपकी क्वेश्चंस और आंसर्स है वो आपको नोटबुक में, पहले तो बुक में फिल करोगे, उसके बाद नोटबुक में करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, तो हमारे चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, क्लास भी ओवर होती है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।